इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल बाद स्वर्ग और अर्थ मिलकर एक अराजक मोती को जन्म देते हैं, लेकिन वो मोती पैदा होते ही अच्छी और बुरी ताकतों को सोखना शुरू कर देता है। यह देखकर महागुरु अपने दो शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। ताइजेन होता है जो बहुत ही मोटा होता है, दूसरे शिष्य का नाम शेन होता है। वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए उन दोनों को बहुत मारता है। यह देखकर महागुरु वहां आते हैं और अपने जादुई मंत्र से उस मोती को कैद कर लेते हैं। फिर उसके दो हिस्से करते हैं, जिसमें नीला एक अच्छा मोती होता है और लाल एक बुरा मोती। इसीलिए महागुरु लाल मोती को श्राप देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे यह मोती नष्ट हो जाएगा। फिर उन दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए ताइजेन को देते हैं और उसे कहते हैं कि जब महाराज ली जिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को उसके बेटे की आत्मा में मिला देना, और अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। यह सुनकर ताइजेन बहुत खुश होता है, लेकिन शेन इससे काफी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए अपना बदला लेने के लिए लिंग शेन के महल में पहुंच जाता है। वो एक षड्यंत्र रचकर स्प्रिट मोती को ताइजेन के पास से चुरा लेकर देता है, जिससे वो मोती लिंग शेन की पत्नी इनकी बॉडी में समा जाता है, जिसे महारानी एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जिसमें आग की बहुत ही खतरनाक पावर होती है, जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। यह देखकर मास्टर ताइजेन अपने पास से रिंग निकालते हैं और एक मंत्र बोलकर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे नेजा की शक्तियाँ कम हो जाती है और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर नेजा को बचा लेती है और मास्टर ताइजेन से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को बाइट करता है, लेकिन इन उसे प्यार से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जिससे उस शैतान बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। तभी वहाँ गांव वाले महाराज से कहते हैं कि इस बाल दानव का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचिए। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है, इसीलिए हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नेजा किसी को हानि ना पहुंचाए, और अगर वो किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो मास्टर ताइजेन कहते हैं कि अगर हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी वो 3 साल में डेमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। इससे रानी यिन बहुत परेशान हो जाती है, तो राजा कहते हैं कि मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा ताकि वो इस श्राप को हटा ले। वहीं हमें शेन को दिखाया जाता है जो स्पीड मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहां सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिसे बेहद ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वो एओ बिंग रखते हैं। वो ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे, जिससे ये और भी ताकतवर हो जाए ताकि हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। वहीं हमें ताइजेन और राजा को दिखाया जाता है जो महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन वहाँ का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। इससे महाराज काफी दुखी हो जाते हैं। ताइजेन उन्हें कहते हैं कि इंसान स्वर्ग में एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें वापस चलना होगा। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जो 1 साल का हो चुका था, लेकिन महाराज और महारानी ने उसे अपने महल के चारों ओर फैले सुरक्षा कवच में बंद कर रखा था ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान न कर सके। नेजा बेटा बेटा बोल रही है और उसे कहती है कि आप वहाँ बेटे क्या कर रहे हो। तो नेजा कहता है कि मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उसे समझाती है कि माँ को काम भी होता है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। इससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, मगर फिर भी अपने बेटे की खुशी की वजह से उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसीलिए आपको वहाँ चलना होगा। लेकिन इससे नेजा काफी उदास हो जाता है, मगर इन उससे वादा करती है कि अगली बार हम और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता और उदास हुआ ऊपर बैठ जाता है। रानी भी काफी उदास हो जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वो अपने दोनों सैनिकों को कहकर जाती है कि तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर न चला जाए। रानी के जाते ही नेजा वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है, लेकिन वो दोनों इस बात को समझ नहीं पाते और आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिससे मौका पाकर नेजा उस सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है। नेजा जैसे ही गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वाले उससे डरकर इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहीं फिर हमें गांव के बच्चों को दिखाया जाता है जो नेजा को डेमन समझते थे और हमेशा उसे परेशान करने के लिए ट्रेप बिछाते रहते थे, लेकिन नेजा आज भेष बदल कर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो भी उसे अपना प्लान बता देते हैं कि जब नेजा पुल से जा रहा होगा तो हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे, लेकिन अगर उसे भी बच गया तो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन तभी उन बच्चों में से एक लड़का कहता है कि नेजा को यहाँ कौन लाएगा। तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है, जिससे डरकर सभी बच्चे उस पुल की तरफ भागने लगते हैं, जिससे उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और वो सभी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। नेजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चे उसे कहते हैं कि तुम शैतान की गुस्सा जाता है, और वो एक बड़े से पत्थर से उन पर हमला करता है। लेकिन तभी मास्टर ताइजेन आकर उन बच्चों को बचा लेते हैं, जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से जाकर टकराता है और वो पहाड़ टूट जाता है। महाराज और महारानी भी वहाँ जाते हैं और वो नेजा से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे वापस महल में बंद कर देते हैं। रात को महाराज महारानी और ताइजेन साथ में बैठे हुए होते हैं। महारानी बहुत परेशान
होती है और वो कहती है कि नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बच्चे उसे अपनाते नहीं है और मैं कब से नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं उसे पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ और अब वो 2 साल का हो गया है, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। तो मास्टर ताइजन उन्हें कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे राक्षसों का संहारक बना दूंगा। महाराज उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नेजा महल में खेल रहा होता है तब उसे बगीचे में एक मैप दिखाई देता है और वो जैसे उसे टच करता है तो उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो मैप में बनी बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंचता है, जिसकी खूबसूरती देखकर नेजा भी हैरान रह जाता है। मास्टर ताइजन भी वहीं होते हैं और उसे एक जादुई ब्रश दिखाकर कहते हैं कि इसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। फिर वो उस ब्रश की मदद से जादुई ट्रैक बनाकर दुनिया की सैर करने लग जाते हैं, जिससे नेजा को काफी मजा आता है कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। तो नेजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर को कुछ जादू नहीं आता, वो सिर्फ ब्रश की मदद से ही जादू कर सकते हैं। तो मास्टर उसे अपने जादू का नमूना दिखाते हैं, जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे नेजा को ऐसा लगता है कि सब असली है, लेकिन असल में एक जलावा होता है। लेकिन नेजा इसे काफी खुश होता है और वो मास्टर को जादू सिखाने को कहता है। तो ताइजन उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर उसके कान में एक मंत्र बोलते हैं। नेजा उस मंत्र की मदद से इल्यूजन क्रिएट करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता। यह देखकर ताइजन बहुत खुश होता है और वो मन ही मन में कहता है कि मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए तो ये बच्चा क्या सीखेगा। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ताइजन वहीं सो रहे होते हैं, तभी रानी उनके पास आती है और उन्हें कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताइजन उसे कहते हैं कि मैं उसे जादू सिखा रहा था और वो यहीं पर था, लेकिन नेजा वहाँ नहीं होता। तो रानी को तालाब में नेजा की बॉडी दिखाई देती है, यह देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। ताइजन जल्दी से जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकाल कर लाते हैं। वो तो नेजा का इल्यूजन होता है, क्योंकि अब उसने उस जादू में महारत हासिल कर ली थी। ताइजन भी इसे काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो भी जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे, इसीलिए वो नेजा को कहते हैं कि तुमने कैसे किया। लेकिन नेजा उन्हें नहीं सिखाता और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं और वो ताइजन की मदद करते हैं। फिर ताइजन नेजा को कहते हैं कि तुम अपने घुटने झुकाओ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा कि लोगों की दानवों से रक्षा कैसे करें। तो नेजा कहता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना और वो वहाँ पत्थर पर जाकर लेट जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, क्योंकि तुम भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अपनाए। जिससे नेजा को अपने बचपन की बात याद आती है, जब वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे डेमन कहा और उसे बहुत मारा। इससे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता राक्षसों से लोगों की रक्षा करते हैं। तो नेजा कहता है कि फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं और वो तो मुझे डेमन समझते हैं। तो राजा उसे झूठ कह देते हैं कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ है, जिस वजह से तुम इतने ताकतवर हो। फिर रानी उसे कहती है कि लोग बुरे नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद ना करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेजा कुछ ही महीनों में दुश्मनों को खत्म करने लगता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ताइजन मैजिक ब्रश की मदद से नेजा को ट्रेन कर रहे थे। फिर उसे यह सब फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं कि तुमने शैतानों का अंत तो किया, लेकिन इसमें तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली। तो नेजा कहता है कि असली नहीं है। तो राजा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि तुम में असीम ताकत है, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसीलिए वो मास्टर लेने को कहते हैं। तो नेजा भी मास्टर की जेब में वो भाला रख देता है, लेकिन वो वहाँ से जादुई ब्रश निकाल लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षस समुद्र से निकलकर एक घर की तरफ आता है और वो वहाँ एक कुत्ते को खाने लगता है, लेकिन तभी नेजा वहाँ पहुँच जाता है और उस राक्षस को कहता है कि इस कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो नेजा उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर वो राक्षस पानी में चेंज होकर वहाँ से भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है और आग से उस पर अटैक करता है, जिससे पूरे गाँव में तबाही मच जाती है। वहीं रास्ते में वो राक्षस एक छोटी लड़की को उठाकर अपने साथ पानी में लेकर जाने लगता है और वो नेजा को कहता है कि समुद्र में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर सारा पानी बर्फ बना देता है। बिंग वही होता है जिसे शेन ने स्पीड मोती से बनाया था। बिंग उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन ये बात नेजा को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही उस लड़की को बचाना चाहता था, इसीलिए वो उस लड़की को वापस उस राक्षस के हवाले कर देता है ताकि वो खुद ही उस लड़की को बचाए। और फिर वो बिंग को मारने लग जाता है, जिससे बिंग को भी पता चल जाता है कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है, इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है और नेजा बिंग का नकाब भी हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है, क्योंकि उसके सर पर सींग होते हैं। फिर वापस से उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। यह देखकर वो राक्षस भी अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से उन पर हमला करता है, लेकिन नेजा को यह बात पता नहीं होती और वो एक बुलबुले को छू लेता है, जिससे उसका हाथ पत्थर का बन जाता है और वो राक्षस उस लड़की को कच्चा ही निकल जाता है। यह देखकर बिंग बहुत ही फास्ट उन बुलबुलों से बचता हुआ राक्षस के पेट पर वार करता है, जिससे वो बच्ची बाहर आ जाती है, लेकिन उसके जहर की वजह से उसकी पूरी बॉडी पत्थर की बन जाती है। फिर वो राक्षस उसके टुकड़े करने लगता है, लेकिन तभी नेजा उसे बचा लेता है। राक्षस उससे बचने के लिए हर तरफ नेजा भी बहुत चालाक होता है और वो उन बुलबुलों से बचने के लिए बिंग की बॉडी को अपनी ढाल बनाता है और उस राक्षस को बहुत मारता है, जिससे वो राक्षस भी हार मान लेता है और वो उसे उसका एंटीडोट दे देता है, जिसे इस्तेमाल करके नेजा खुद को और बिंग को सही कर देता है। फिर वो राक्षस उनसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। बिंग नेजा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते उनको शाम हो जाती है। नेजा बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि आज तक उसके साथ इतनी देर तक कोई नहीं खेला था। बिंग उसे एक शंख देकर कहता है कि आज से हम दोस्त हैं और जब भी तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो किनारे पर आकर इसे बजाना, मैं जरूर आऊंगा।
तभी वहाँ गाँव वाले आने लग जाते हैं। ये देखकर बिंग वहाँ से चला जाता है। नेजा सभी गाँव वालों को कहता है कि मैंने इस बच्ची की राक्षस से जान बचाई है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और एक लड़का उसे कहता है कि तुम राक्षस हो, जिससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है। ये देखकर सारे गाँव वाले नेजा को मारने लग जाते हैं, लेकिन नेजा को कुछ नहीं होता और उन सभी लोगों को मारने लग जाता है। तभी ताइजन वहाँ आकर नेजा को पकड़ लेते हैं। वहीं बिंग ड्रैगन महल जाता है। मैंने आज का अभ्यास पूरा कर लिया और मैंने एक दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। ये सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, क्योंकि वो डेमन मोती से पैदा हुआ है, इसीलिए तुम्हें उसे हराना होगा। तो बिंग शेन से कहता है कि क्या और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नेजा ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो नेजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो बिंग के पिता ड्रैगन किंग उसे कहते हैं कि गॉड ने हमें कई सालों से यहाँ कैद किया हुआ है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, जिससे हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं, इसीलिए तुम अपनी दोस्ती को छोड़कर अपने प्लेन पर ध्यान दो। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता से बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे प्यार नहीं करते। तभी महाराज और महारानी उसके पास आते हैं। ये उसे कहती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और सभी गांव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। तो नेजा उसे कहता है कि वो मेरे पैदा होने से खुश नहीं है। तो राजा उसे कहते हैं कि वो तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुमने सच में उनकी जान बचाई है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेजा भी इससे काफी खुश हो जाता है और वो बिंग को भी अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक कार्ड बनाता है। फिर वो किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिससे बिंग भी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और सभी गाँव वाले जश्न मनाएंगे, इसीलिए तुम्हें भी आना होगा क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो बिंग भी उसकी बातों से काफी इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर नेजा खुश हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं बिंग जब वापस अपने पिता के पास आता है तो सभी ड्रैगन मिलकर बिंग के लिए एक ड्रैगन कवच बनाते हैं जो अभेद्य होता है, ताकि उसे कोई भी हरा ना सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि महल में नेजा के जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती है और वहाँ राजा के कहने पर नेजा भी बहुत खुश होता है और वो भी अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ शेन आ जाता है। नेजा उसे मारने लगता है, लेकिन शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। फिर उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सब झूठ बताया है, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक डेमन मोती से हुआ है। इससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और यही शेन का प्लान होता है कि वो नेजा को गुस्सा दिलाकर सभी पर हमला करवाए, ताकि बिंग यहाँ आकर लोगों को बचाए, जिससे वो सबकी नजरों में हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। और जब नेजा बाहर आता है तो ताइजन उसे उपहार में अपना अग्निशस्त्र और पिक देते हैं, जो नेजा के छूते ही व्हील में चेंज हो जाता है, जिससे वो बहुत फास्ट ट्रेवल कर सकता था। फिर नेजा के पिता भी उसे एक तावीज देते हैं। नेजा उन्हें कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सब ने मुझे गुमराह किया कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है, ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, और ये सब तुमने इसलिए किया ताकि 3 साल बाद मैं मर जाऊं। और फिर नेजा एक मंत्र बोलता है जो उसे शेन ने सिखाया था, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है और वो अपने पूरे रूप में आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन महाराज और ताइजन उसे रोकने लगते हैं। वो सभी को कहते हैं किसी वो कड़ा ही नेजा को शांत कर सकता है, क्योंकि किसी ने इसकी बुरी ताकतों पर कब्जा कर लिया है। सभी वो कड़ा ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कड़ा शेन के पास होता है। बिंग भी वही होता है। शेन उसे कहता है कि जब नेजा अपने माता पिता को मारेगा तब तुम वहाँ पहुँचकर लोगों की रक्षा करना, जिससे लोग तुम्हें अच्छा मानने लगेंगे और सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो बिंग शेन को कहता है कि नेजा ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो मुझे उसके माता पिता को बचाने दीजिए। लेकिन उसे कहता है कि अगर इंसानों को तुम्हारा सच पता चल गया कि तुम एक ड्रैगन हो तो तुम्हें भी राक्षस मानेंगे। लेकिन बिंग उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वहीं नेजा अपने पिता को मारने लगता है, लेकिन तभी बिंग वहाँ नकाब पहनकर पहुँच जाता है और वो राजा को बचा लेता है। नेजा और बिंग में फाइट होने लग जाती है। बिंग नेजा को पकड़ लेता है और वो कैसे भी करके नेजा को कड़ा वापस पहना देते हैं, जिससे नेजा वापस छोटा हो जाता है। लेकिन वो अभी भी सभी से बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राजा बिंग को थैंक्स कहते हैं, लेकिन उन्हें उस पर शक होता है, क्योंकि उन्होंने उसके सर पर जीवन मोती का निशान देख लिया था, इसीलिए उसका नकाब उतार देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाए। ताइजन बिंग को कहता है कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती चुराया है। तभी शेन भी वहाँ आ जाता है और वो बिंग को कहता है कि तुम 4 लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन अब सभी को मरना होगा, क्योंकि सभी को हमारी सच्चाई पता चल गई है। फिर शेन सभी को बताता है कि मैंने ही जीवन मोती चुराया था। तो ताइजन उसे कहता है कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे। तो शेन उन्हें कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, इसीलिए मेरी शिकायत कौन करेगा। फिर शेन बिंग को भड़काता है कि इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते, इसीलिए अब सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने गुरु और पिता का बदला लोगे या नहीं। बिंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी पावर से उस पूरे गांव के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके उसे बर्फ में जमा देता है, ताकि वो बर्फ नीचे गिरकर सभी लोगों को मार दे। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है, जिसे वो प्यार नहीं करता। तभी ताइजन का दिया हुआ पिग अपने असली रूप में आ जाता है और वो मैजिक से नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पिता को तुम्हारा अभिशाप हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था तो वहाँ के पहरेदार ने उन्हें बताया था कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी दूसरे इंसान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए उस पहरेदार ने उन्हें 2 कागज पर लिखकर एक मंत्र दिया था, जिससे वो श्राप तुम्हारे पिता में ट्रांसफर हो गया है। इससे नेजा भी काफी इमोशनल हो जाता है और जब वो उस ताबीज को खोलता है तो उसमें वो दोनों ही मंत्र होते हैं। इससे अब नेजा को भी समझ आ जाता है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। वहीं महाराज और महारानी बिंग को रोकते हैं, लेकिन बिंग उन्हें बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा उड़ता हुआ आता है
है और बिंग पर अटैक कर देता है। नेजा अपने मास्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता है ताकि महागुरु को पता न चल सके कि शेन ने जीवन मोती चुराया था। यह सुनकर नेजा बिंग पर अटैक करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक फाइट होती है, लेकिन नेजा की शक्तियाँ कड़े की वजह से कम पड़ रही थी, इसीलिए वो अपने मास्टर का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और शेन में चेंज हो जाता है, जिससे बिंग कंफ्यूज हो जाता है। वहीं शेन और ताइजिन भी आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी नेजा और शेन आपस में टकरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नेजा अपने मैजिक से अपना हथियार भी चेंज कर लेता है, जिससे बिंग शेन को ही नेजा समझकर उसे मारने लगता है। नेजा भी शेन को मारता है, लेकिन तभी ताइजिन अपने मैप से उन पर हमला करते हैं, जिससे वो सभी उस मैप के अंदर चले जाते हैं। ताइजिन निकलने लगते हैं क्योंकि ब्रश के बिना इस मैप से बाहर नहीं निकला जा सकता था, इसीलिए उन सब में ब्रश के लिए लड़ाई होने लग जाती है, जिससे वो सभी साथ नहीं उस मैप से बाहर निकल जाते हैं। नेजा और शेन आपस में लड़ने लगते हैं, तभी बिंग नेजा के माता पिता को मारने लगता है। ये देखकर नेजा खुद को आगे कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिंग ऊपर जाकर बर्फ पर हमला करता है ताकि सारी बर्फ नीचे गिर जाए। बर्फ नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर नेजा वापस से वो मंत्र बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है। उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो ऊपर जाकर उस बर्फ को नीचे गिरने से रोकने लग जाता है। बिंग नेजा को कहता है कि तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो, तुम्हारा जन्म तो दानव के रूप में हुआ है। तो नेजा कहता है कि कोई देवता या दानव नहीं होता, मैं अपनी नियति खुद लिखूंगा, और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पूरी बर्फ को पिघला लेता है। लेकिन उसे नहीं मारता, तो बिंग उसे कहता है कि मार दो मुझे। तो नेजा कहता है कि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। वहीं अब ऊपर आसमान में भी बिजली कड़कने लग जाती है, जिससे अब नेजा को भी समझ आ जाता है कि उसका अंतिम समय आ गया है। इसीलिए वो नीचे जाकर उस ताबीज में मौजूद कागज को फाड़ देता है, ताकि उसकी वजह से उसके पिता की जान न जाए। नेजा आखिरी बार अपने माता पिता को अलविदा कहता है, तभी उसके ऊपर बिजली गिरने लग जाती है। लेकिन तभी बिंग वहां आकर नेजा को बचाने लग जाता है, क्योंकि अब वो भी समझ गया था कि कोई अच्छा है बुरा नहीं होता। फिर वो दोनों साथ मिलकर उस आकाशीय बिजली को सोखने लग जाते हैं, लेकिन वो गोट का सामना नहीं कर पाते। ये देखकर ताइजिन भी नेजा को बचाने के लिए उनकी मदद करने जाते हैं। वो ऊपर चले जाते हैं, जिससे नेजा और बिंग उस बॉक्स में बंद हो जाते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ नीचे बिजली की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। महाराज और महारानी नेजा को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ वही बॉक्स मिलता है जिसमें नेजा और बिंग होते हैं, और ताइजिन उन्हें बताता है कि नेजा और बिंग मर चुके हैं क्योंकि इंद्र कमल उनके शरीर को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने उनकी आत्मा को बचा लिया। और यहीं पर ये फिल्म कहानी खत्म हो जाती है। गाइस, अब मैं आपको पार्ट टू एक्सप्लेन करूंगा। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बाइक रेसिंग को दिखाया जाता है, जिसमें यू जियांग नाम का लड़का उस रेस को जीतने की काफी कोशिश करता है, क्योंकि सबसे आगे एक बाइक रेसर थी जिसका नाम डॉक्टर सुजू था। यू जियांग अपने खतरनाक स्टंट से उस रेस को जीत लेता है। सभी उसका स्टंट देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी काशा नाम की उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, वो उसे कहती है कि तुम्हें इतने खतरनाक स्टंट नहीं करने चाहिए। तभी एक मास्क में जियांग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी बाइक सही कर दो, लेकिन जियांग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग डुंगाई शहर में रहता है, जहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसीलिए लोग वहाँ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे, क्योंकि यहाँ के सारे पानी को डी गैंग का बॉस एओ ग्वांग कंट्रोल करता था, जो कि असल में ड्रैगन किंग है। यू जियांग एक कोरियर कंपनी में काम करता है, लेकिन वो कोरियर कंपनी नकली थी क्योंकि वो इलीगल पार्सल को डिलीवर किया करते थे। आज जियांग को एक सीक्रेट पार्सल डिलीवर करने के लिए डी गैंग के इलाके में भेजा गया है। जियांग वहाँ पहुँचकर पार्सल को बहुत ही सीक्रेट तरीके से डिलीवर कर देता है, लेकिन वो हाल भी तोड़ देता है, जिससे डुंगाई शहर में पानी आने लग जाता है। यू जियांग को गार्ड देख लेते हैं, लेकिन वो अपनी सुपर बाइक से वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले दिन उस कुरियर कंपनी के सभी लोग पार्सल इकट्ठा कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक केट नजर आती है, जिस पर डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है। तो जियांग उस केट को लेकर डिलीवरी एड्रेस पर पहुँचा देता है, लेकिन वो एड्रेस नकली था, इसीलिए उस केट को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें कोई मालिक की जरूरत नहीं है। यू जियांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो केट उसके पीछे पीछे उसे अपने साथ ले लेता है। फिर वो काशा को लेने के लिए एक बार में जाता है, क्योंकि काशा वहाँ सिंगिंग किया करती थी। वो काशा को केट गिफ्ट कर देता है। फिर वो उसे साथ लेकर अपने डेट के घर पर जाता है, क्योंकि उन्होंने आज उन्हें खाने पर बुलाया था। जियांग वहाँ पहुँचता है तो उसका भाई जिंग वहाँ खाना बना रहा होता है। वो सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं, लेकिन साथ ही जियांग के डेट उसे समझाते हैं कि तुम ये इलीगल काम छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। जियांग इस बात से गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और काशा के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में एओ ग्वांग का बेटा एओ बिंग गुजर रहा होता है और उसे जियांग की बाइक बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी इस बाइक की क्या कीमत है, क्योंकि मैं इसे खरीदने वाला हूँ। लेकिन जियांग उसे कहता है कि मेरी बाइक मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तो एओ बिंग अपने आदमियों से उस पर अटैक करवाने लगता है, लेकिन जियांग वहाँ से भाग जाता है। एओ बिंग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जियांग एक एक करके एओ बिंग के सभी आदमियों को गिरा देता है, लेकिन अभी भी एओ बिंग उसके पीछे होता है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जियांग बहुत खुश होता है, लेकिन तभी एओ बिंग अपनी पावर से उस पर अटैक करता है। इससे हमें पता चलता है कि नेजा और एओ बिंग ने पुनर्जन्म ले लिया था। एओ बिंग जियांग को बहुत मारता है और उसकी बाइक भी ले लेता है। तभी जियांग की केट उस पर उसे भी मार डालता है। इससे जियांग को भी बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर छिपी नेजा की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो एओ बिंग पर हमला करके उसके हाथ को जला देता है। यह देखकर एओ बिंग वहाँ से भाग जाता है
वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जब आँख खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ डॉक्टर सुजी उसे चेक करती है। तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके जख्म बहुत ही जल्दी सही हो रहे थे। तभी जियांग को काशा के बारे में याद आता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि काशा का एक पैर कट गया है, इससे वो बहुत दुखी होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि काशा का एक पैर कुचल दिया गया था, इसीलिए हमें उसका पैर काटना पड़ा। इससे जियांग को एओ बिंग पर बहुत गुस्सा आता है और उसे बदला लेने के लिए जाने लगता है। एओ गुआंग अपने बहुत सारे आदमियों के साथ वहां आता है और जियांग को कहता है कि मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगने आया हूं, और फिर उसकी बाइक भी लौटा देता है, साथ ही उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने बेटे का पैर काट दो। ये कहकर वो वहां से बाइक लेकर चला जाता है। जियांग का भाई उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं ड्रैगन किंग को जियांग पर बहुत गुस्सा आता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि जियांग को खत्म कर दो, ताकि वो मेरे लिए हमेशा की तरह इस जन्म में भी खतरा न बन सके। वहीं जियांग का भाई उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि हम उनका मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाते हैं। वो जियांग के भाई की कार को नीचे धकेल देते हैं, जिससे जब जियांग उसे बचाने जाता है तो उस पर हमला करते हैं। लेकिन जियांग किसी तरह अपने भाई को बचाकर अपनी बाइक पर बिठा लेता है, लेकिन तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन जियांग फुल स्पीड में उस पहाड़ से दूसरी तरफ बाइक जंप करवा देता है, जिससे वो दूसरी तरफ जाकर गिर जाते हैं। तभी वहाँ वो दोनों राक्षस भी आ जाते हैं और वो जियांग को पकड़कर उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वो दोनों राक्षस मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक राक्षस बच जाता है जो जियांग को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मास्क मैन आकर उसे बचा लेता है। कौन हो और तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो? तो मास्क मैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब जानना है तो मेरे अड्डे पर आ जाना। जियांग अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे वहाँ एडमिट कर देता है। फिर जियांग उस मास्क मैन के अड्डे पर जाता है, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग उससे पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों कहते हो? तो वो उसे बताता है कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें नेजा और ड्रैगन किंग की कहानियाँ जरूर सुनाई होगी, और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो, जिस वजह से ही तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। फिर उसे ये भी बताता है कि नेजा का जन्म बहुत ही कठोर आग से हुआ था, इसीलिए तुम भी इस आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जियांग को उसकी बातें मजाक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें एओ गुआंग को दिखाया जाता है, जिसे जब पता चलता है कि उसके आदमी मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसका बेटा एओ बिंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेजा की शक्तियाँ काफी ज्यादा है, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। तो उसके ढेर उसे मारते हैं और उसे अपना घाव दिखाते हैं, जो सेम वैसा ही था जैसा एओ बिंग को जियांग ने दिया था। एओ गुआंग उसे बताते हैं कि मैं ड्रैगन किंग हूँ और 3000 सालों से ये घाव ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि नेजा के पास किसी को भी मार सकती है। इसीलिए अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरा ड्रैगन पल अभी तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें जियांग को खत्म करना होगा, जिससे पहले कि वो अपनी शक्तियों पर काबू कर ले। वहीं हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो जब अपनी भाई को सही कर रहा होता है कि तभी उसे विजन्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। इसीलिए वो वापस उस मास्क मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे आग पर कंट्रोल करना सिखा सकते हो? तो मास्क मैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी बाइक सही करनी होगी। तो जियांग भी मान जाता है। फिर मास्क मैन उसे गैराज में लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि तुम अग्नि देवता के साथ पैदा हुए थे, लेकिन इस आग को केंद्रित करने के लिए लोहे की जरूरत है, और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी जल जाएगी। इसीलिए जियांग अपने लिए एक आयरन सूट बनाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो मास्क वाला आदमी उसे ये भी बताता है कि जब तुम आग पर महारत हासिल कर लोगे तो तुम समुद्र और हवा में जीवित रह सकते हो। जियांग काफी मेहनत करने लगता है और मास्क मैन उसे लड़ना सिखाता है। जियांग अपने लिए सूट भी बना रहा होता है और साथ ही वो मास्क मैन की बाइक भी सही कर रहा था। काफी दिनों की मेहनत के बाद जियांग अपना सूट बना लेता है और अब वो आग पर भी कंट्रोल करना सीख गया था। उसे काशा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए उसके लिए एक आर्टिफिशियल पैर बना देता है, ताकि वो ठीक से चल सके। वहीं अब वो मास्क मैन जियांग का टेस्ट लेता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से फायर करके जियांग अब लड़ने में माहिर हो गया था। इसी लड़ाई में मास्क मैन का मास्क भी खुल जाता है, जिससे जियांग को पता चल जाता है कि वो 3 कान का एक बंदर है। तभी वो मास्क मैन जियांग को गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे जियांग के अंदर से नेजा का विशाल रूप बाहर आ जाता है। ये देखकर जियांग बहुत हैरान होता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जियांग उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो मास्क मैन उसे बताता है कि तुम दोनों अभी भी एक नहीं हुए हो, और अगर तुम्हें अपनी पूरी शक्तियाँ वापस चाहिए तो तुम्हें अपने अस्त्र को वापस हासिल करना होगा, जो कि स्काई रिंग और कॉस्मिक रिंग है। फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है क्या आती है, तभी एओ गुआंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो डॉक्टर को मारने लगते हैं कि तभी जियांग उसे बचा लेता है और फिर वो उन सभी से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एओ गुआंग का असिस्टेंट भी एक राक्षस होता है। जियांग उसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होता है, जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर जियांग अपनी आग की पावर से उस पर हमला करता है, जिससे उसे मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग जब अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो एओ गुआंग के आदमी उस हॉस्पिटल पर बम से हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर जियांग सभी को मारने लग जाता है। वो उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ एक डेमन उस पर हमला कर देती है, जिसका नाम रोजी क्लाउड होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही एपिक फाइट होती है। जियांग उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। वापस आकर जियांग देखता है कि पूरा हॉस्पिटल तबाह हो चुका है और उसके डेड एक रोड से इंजर्ड हो चुके हैं। वो उनकी हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके
डैड उसे कहते हैं कि मैं जाता है। यह कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। जियांग को इससे बहुत गुस्सा आता है और अपने डैड का बदला लेने के लिए जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ओ गुआंग मास्क मैन को मिलने के लिए बुलाता है। मास्क मैन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ओ गुआंग एक क्रिएचर की मदद से अपना ड्रैगन पर्ल बना रहा था, क्योंकि उसने उस क्रिएचर के बच्चे को पकड़ रखा था। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि तुमने ही जियांग को ट्रेन किया है, इसीलिए वो रोसी से उस पर हमला करवा देता है और उसे रिबन में कैद कर लेता है। तभी वहाँ जियांग आ जाता है जो ड्रैगन किंग के सभी गार्ड्स को मार देता है, लेकिन तभी एओ गुआंग उसे भी रिबन से पकड़ लेता है। जियांग अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे वो रिबन भी उसे कैद नहीं कर पाता। ये देखकर ड्रैगन किंग अपने सभी साथियों को वहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि अभी उसका ड्रैगन पर्ल तैयार नहीं हुआ था। तभी एओ बिंग अपने डेड से कहता है कि मैं जियांग को रोक लूंगा, तो डेड कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत करना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एओ बिंग और नेजा में बहुत ही एपिक फाइट होती है। नेजा एओ बिंग पर बहुत भारी पड़ रहा था, इसलिए एओ बिंग अपने ड्रैगन के रूप में आ जाता है। लेकिन फिर नेजा को उस पर बहुत गुस्सा आता है जिससे उसे बहुत मारता है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, जिससे एओ बिंग वहीं मर जाता है। लेकिन तभी रोजी क्लाउड नेजा पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी मास्क मैन उसे पकड़ लेता है। तो नेजा को कहती है कि तुम एक बुरे प्राणी हो और तुम हमेशा अपने दोस्तों को मुसीबत में डालते हो। फिर वो उसे पिछले जन्मों की बातें याद दिलाती है, जब नेजा की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाने लगता है, और वो रोजी को वहाँ से जाने देता है। जियांग मास्क मैन से पूछता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो वो उसे अपनी असलियत बताता है कि मैं मंकी किंग हूँ। फिर वो उसे उस होल के पास लेकर जाता है और उसे बताता है कि यह होल पूरी सागर की तरफ जाता है, जहाँ ड्रैगन किंग यानी कि एओ गुआंग का महल है और उसने वहाँ सारे ड्रैगन को बांध कर रखा है, जिससे ही वो वहाँ ड्रैगन पर्ल बना रहा है। और वो उसे ये भी बताता है कि लाल रिबन तुम्हारा अस्त्र हुआ करता था और वो अस्त्र ड्रैगन किंग के महल में ही है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर का नेजा जब भी प्रकट होता है जब तुम मतलबी बनते हो, मगर जब तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो बच्चा नेजा तुम्हारे साथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि तुम नेजा की तरह बिल्कुल नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जियांग काफी परेशान होता है और जब वो वापस लौटता है तो वो और उसका भाई मिलकर उनके डेड का अंतिम संस्कार करते हैं। इससे जियांग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो वो सब उसे हौसला देते हैं कि तुम्हें लेता है कि वो ड्रैगन महल जाकर ड्रैगन किंग को हराएगा, जिससे डुंगाई शहर में वापस पानी आ सके। वो उस होल के पास जाता है जहाँ वो नेजा को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं पूरे शहर को बचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम स्वार्थी हो, इसीलिए तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, इसीलिए तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते ही नेजा गायब हो जाता है। फिर जियांग उस होल के अंदर कूद जाता है जहाँ वो अपनी शक्तियों की मदद से पानी में सांस ले पाता है। तभी वहाँ एक शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन जियांग उस पर वार करके उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी वहाँ ड्रैगन किंग के समुद्री सैनिक जियांग पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जियांग एक एक करके सभी को मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग के महल में पहुँच जाता है जहाँ वो उस क्रिएचर को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रैगन किंग आ जाता है जिसने डॉक्टर सुजू को भी बंदी बना लिया था। फिर ड्रैगन किंग जियांग पर हमला करने लगता है। ड्रैगन किंग बहुत ही ताकतवर होता है और उसके पास वेनम जैसी पावर होती है जिसकी मदद से वो जियांग को पकड़ लेता है और वो अपनी आग की पावर से उस रोजी को भी मार देता है। फिर वो ड्रैगन किंग पर भी हमला करके अपनी आग से उसे जलाने लग जाता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके वार से बच जाता है और ड्रैगन पर्ल को निगल लेता है, जिससे उसकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो जियांग को कहता है कि मैं यहाँ के सभी ड्रैगन को आजाद कर दूंगा, जिससे वो डुंगाई शहर में सुनामी ले आएंगे और पूरा डुंगाई शहर बर्बाद हो जाएगा। वो वहाँ के सारे ड्रैगन को आजाद करने लग जाता है। जियांग रिबन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो रिबन ही टूट जाता है जिससे सारे ड्रैगन आजाद हो जाते हैं। ड्रैगन डुंगाई शहर में आकर सुनामी लाने लग जाते हैं। वहीं सुजू देखती है कि जियांग काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और उसका सूट भी अब टूट चुका था। तभी ड्रैगन किंग उसके पास आता है और उसे कहता है, ये कहकर वो उसे इंजर्ड कर देता है। वहीं डुंगाई शहर सुनामी की वजह से डूबने लग जाता है। जियांग बिना सूट के ही अपनी आग की पावर को जागृत कर लेता है, जिससे ड्रैगन किंग का फाइनली अंत हो जाता है। लेकिन इससे नेजा की बॉडी भी काफी जल जाती है, क्योंकि उसने बिना सूट के अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। यह देखकर सुजू काफी डर जाती है। वहीं ड्रैगन डुंगाई शहर के चारों तरफ बड़ी सी लहर बना देते हैं ताकि वो डुंगाई शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर सके। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग को नेजा दिखाई देता है। जियांग नेजा को कहता है कि तुम्हें डुंगाई शहर को बचाना ही होगा, इसके लिए तुम्हें अपने दूसरे अवतार को ढूंढना होगा। लेकिन तभी नेजा की शक्तियों से वो रिबन वापस बन जाता है। नेजा जियांग को पूरी तरीके से सही कर देता है और उसके लिए एक नया सूट बना देता है, जिससे अब उसे उसका अस्त्र भी मिल जाता है जो कि वही रेड रिबन होता है। वो उस रिबन की मदद से उन सारे ड्रैगन को फिर से पकड़ लेता है और उन्हें मार डालता है, जिससे अब डुंगाई शहर में बारिश होने लग जाती है। जियांग और सुजू बाहर आ जाते हैं। जियांग मंकी किंग को बताता है कि मुझे मेरा अस्त्र वापस मिल गया चुका हूँ। फिर वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि डुंगाई शहर में अब सब खुशी से रहने लग गए हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।